Hello friends, so hope all of you are doing well. In today's session, we are going to discuss about a very beautiful novel, Tom Jones. We are going to discuss about the plot overview of Tom Jones rather than going by chapter wise. अब आप सोच रहे होंगे कि इस चैनल पे हम लोग ऑलरेडी टॉम जोन्स कवर कर चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इस सेशन में हम लोग टॉम जोन्स का प्लॉट ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, जबकि मैंने पहले जो वीडियोस इस पे कवर किए हैं वहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज अच्छे से डिस्क्राइब किया है टॉम जोन्स को, बट स्टिल आज के सेशन में हम लोग टॉम जोन्स नॉवल को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव में समझेंगे और ये भी समझेंगे कि क्यों इस नॉवल को बोलते हैं बिल्डंग्स रोमन नॉवल। ठीक है, तो बेसिकली बिल्डंग्स रोमन एक जर्मन वर्ड है। इसके बारे में भी जानेंगे कि टॉम जोन्स को क्यों इस कैटेगरी में रखा गया है। लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस, सो विदाउट एनी फर्दर एडियो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो दोस्तों, टॉम जोन्स के जो ऑथर है उनका नाम है हेनरी फील्डिंग, और हेनरी फील्डिंग के लाइफ और वर्क्स रिलेटेड मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप जाके वो वीडियो देख लो पहले, ताकि आपको ऑथर का पर्सपेक्टिव समझ में आए, उनके अचीवमेंट्स, उनके लाइफ वर्क्स जान पाओ आप। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। एंड इट्सेल्फ टॉम जोन्स एक ऐसा नॉवल है जिसमें से हर साल कोई ना कोई सवाल पूछा गया है, तो इन इट्सेल्फ ये टॉम जोन्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल बनाता है। और इस कहानी को शुरुआत करने से पहले मैं कुछ और भी बता देना चाहता हूँ आपको। सो जिन्होंने अभी तक मेरा पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था, बरियल ऑफ द डेड द वेस्टलैंड बाय टीएस इलियट, वो नहीं देखा है वो डेफिनेटली आप जाके देखो, क्योंकि उसमें मैंने टिग्नो के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन से रिलेटेड एग्जाम्स वो बहुत ही अच्छे तरह से और बहुत ही डिस्क्रीटली डिस्कस किया है। उसमें से आप पता चलेगा आपको कि मतलब इंटरमीडिएट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं या फाइनल ईयर सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं या जब बैक देने वाले हैं वो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने एग्जाम्स कब अप्रोच कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर रहेगा री रजिस्ट्रेशन का या एवरीथिंग रिलेटेड एग्जाम्स, वो आप समझ पाओगे। सो आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि आप वो वीडियो डेफिनेटली देखो अगर आपको एग्जाम्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है। अगर वो वीडियो देखने के बाद भी आपका कोई भी डाउट रहा तो डेफिनेटली फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, मैं डेफिनेटली उन सवालों का जवाब दूंगा। या आप मुझे पर्सनली भी रीच आउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर या मेल आईडी है, आपको कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली गो फॉरवर्ड एंड यू कैन आस्क मी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड कंट्री जेंटलमैन मिस्टर ऑलवर्दी जो हैं वो सॉमरसेट शायर नाम के एक जगह में अपने बहन मिस ब्रिजिट ऑलवर्दी के साथ रहते थे। तो ऐसा दिखाया जाता है कि वो एक ट्रिप में गए हुए थे लंदन में, और ट्रिप से आने के बाद उन्हें अपने घर में एक बच्चा मिलता है अपने बेड में। ठीक है, तो वो बेबी बॉय था, उसके चलते क्या होता है ऑलवर्दी जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा जांच पड़ताल करने के बाद ये पता चलता है कि जेनी जोन्स नाम की एक लड़की और उसका जो ट्यूटर था मिस्टर पैटरिच वो उस बच्चे के पेरेंट्स थे। दोस्तों, ये बात मैं आपको बताता चलो, जो ये मिडिल एज का पीरियड था इन पर्टिकुलर, उसमें इंग्लैंड में बिना शादी के बच्चे हो जाने को बहुत ही ज़्यादा एक सोसाइटल गिल्ट या मॉरल इविल समझा जाता था। इसी के चलते मिस्टर ऑलवर्दी क्या करते हैं, जेनी जोन्स को काउंटी से बाहर निकाल देते हैं और मिस्टर पैट्रिक जो हैं आउट ऑफ गिल्ट खुद ही छोड़ के चले जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ द पैरिश ऑलवर्दी डिसाइड्स टू ब्रिंग अप द बॉय। अभी जो बहुत लोगों के बोलने के बाद भी मिस्टर ऑलवर्दी ये डिसाइड करते हैं कि वो उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे और वो उनको पालेंगे, और उसका नाम मिस्टर ऑलवर्दी टॉम जोन्स रखते हैं। ठीक है, उसके कुछ टाइम के बाद जो मिस ब्रिजिट ऑलवर्दी होती है, जो मिस्टर ऑलवर्दी के बहन होती है, वो भी शादी कर लेती है कैप्टन ब्लिफिल नाम के एक बंदे के साथ, जो बेसिकली हु वाज अ विजिटर टू ऑलवर्दीज एस्टेट एंड गिव्स बर्थ टू अ सन ऑफ हर ओन नेम्ड ब्लिफिल। अब जो ब्रिजिट ऑलवर्दी है और कैप्टन ब्लिफिल है वो दोनों शादी कर लेते हैं, और उनका जो बच्चा होता है उसका नाम भी वो लोग ब्लिफिल रखते हैं। अब कैप्टन ब्लिफिल जो होते हैं ही रिगार्ड्स टॉम जोन्स विद जेलसी सिंस ही विशेस हिज सन टू इनहेरिट ऑल ऑफ ऑलवर्दीज पोजेशंस। कैप्टन ब्लिफिल जो है वो टॉम जोन्स को एकदम पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका जो बच्चा है ब्लिफिल उसी को मिस्टर ऑलवर्दी का पूरा प्रॉपर्टी मिले। ठीक है, वाइल मेडिटेटिंग ऑन मनी मैटर्स कैप्टन ब्लिफिल फॉल्स डेड ऑफ एन एपोप्लेक्सी। अब ऐसा होता है कि कैप्टन ब्लिफिल क्या होता है, समय के चलते ही डाइज, और किससे मरते हैं, वो एपोप्लेक्सी से मरते हैं। दोस्तों, मैं ये बात आपको बताता चलो कि एपोप्लेक्सी एक ऐसा कंडीशन है जिसे सेरेब्रल हैमरेज या स्ट्रोक बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, बेसिकली स्ट्रोक से मर जाते हैं। द नरेटर स्किप्स फॉरवर्ड 12 ईयर्स। ब्लिफिल एंड टॉम जोन्स हैव बीन ब्रॉट अप टुगेदर बट रिसीव वास्टली डिफरेंट ट्रीटमेंट फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड।
Allworthy is the only person who shows consistent affection for Tom. दोस्तों कहानी अब 12 साल आगे चल चुका है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ब्लिफिल और टॉम अभी काफ़ी बड़े हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पे जो उनका ट्रीटमेंट मिलता है वो टोटली अलग होता है दोनों को। घर में सिर्फ मिस्टर ऑलवर्दी ऐसे होते हैं जो टॉम जोन्स को बहुत प्यार करते हैं और उनको अपना बेटा समझते हैं, उनको छोड़ के बाकी कोई टॉम को इतना पसंद नहीं करता। द फिलोसोफर स्क्वायर एंड द रेवरेंड थ्वैकम द बॉयज ट्यूटर्स डिस्पाइज टॉम एंड अडोर ब्लिफिल सिंस टॉम इज वाइल्ड एंड ब्लिफिल इज पायस। अब ऐसा दिखाया जाता है कि मिस्टर ऑलवर्दी क्या करते हैं, अपने दोनों बच्चों के लिए वो ट्यूटर रखते हैं और ट्यूटर में कौन होता है, फिलोसोफर स्क्वायर और रेवरेंड थ्वैकम। अभी आपको ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्योंकि आप जब आंसर प्रेजेंट करो एग्जाम में ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप ठीक तरीके से नाम को प्रेजेंट कर पाओ, ठीक है ना। तो ऐसा दिखाया जाता है कि दोनों ट्यूटर्स ही जो होते हैं बहुत ही पार्शियल होते हैं टुवर्ड्स दैट ट्रीटमेंट टू टॉम एंड ब्लिफिल। वो टॉम को एकदम पसंद नहीं करते हैं और ब्लिफिल को ज़्यादा अटेंशन देते हैं बिकॉज वो लोग सोचते हैं कि ब्लिफिल इज़ द राइटफुल ऑनर ऑफ मिस्टर ऑलवर्दिस पोजेशंस और टॉम जो होता है वो एक अडॉप्टेड सन होता है। टॉम फ्रिक्वेंटली स्टील्स एप्पल्स एंड डक्स टू सपोर्ट द फैमिली ऑफ ब्लैक जॉर्ज वन ऑफ ऑलवर्दिस सर्वेंट्स। ऐसा दिखाया जाता है कि टॉम बहुत ही ज़्यादा अलग किस्म का लड़का होता है, गरीब लोगों को लेके उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है और वो उनका मदद के लिए हमेशा तैयार भी रहता है। तो इसी के चलते क्या होता है, ब्लैक जॉर्ज बोल के एक बंदा है जो मिस्टर ऑलवर्दी के घर में काम करता है, तो जो काफ़ी गरीब था, तो उसके मदद के लिए टॉम क्या करता है, चोरी भी करता है। इनफैक्ट टॉम टेल्स ऑल ऑफ हिज सीक्रेट्स टू ब्लिफिल हु देन रिलेट्स दिस टू थ्वैकम और ऑलवर्दी देयर बाय गेटिंग टॉम टू ट्रबल। ऐसा होता है कि टॉम जो होता है वो ब्लिफिल को अपना भाई समझता है और अपने सारे सीक्रेट्स ब्लिफिल को बोल देता है, लेकिन ब्लिफिल क्या करता है, इसके चलते वो बैकबाइटिंग करता है और थ्वैकम और ऑलवर्दी को ये सब टॉम के सीक्रेट्स बता देता है, जिसके चलते क्या होता है, टॉम को पनिशमेंट मिलता है। द पीपल ऑफ द पैरिश हियरिंग ऑफ टॉम्स जेनरोसिटी टू ब्लैक जॉर्ज बिगिन टू स्पीक काइंडली ऑफ टॉम व्हाइल कंडेमिंग ब्लिफिल फॉर हिज स्नीकीनेस। ऐसा होता है कि जो वहाँ के काउंटी के लोग हैं उनको भी पता चलता है कि टॉम कितना जेनरस है और वो ब्लैक जॉर्ज की मदद करता है, और इसके चलते क्या होता है, उसका जो भाई है ब्लिफिल वो क्या करता है, वो चालाकी से इस बात को अलग तरह से प्रेजेंट करता है ताकि टॉम को पनिशमेंट मिले। तो वहाँ के जो लोग हैं वो टॉम को ज़्यादा पसंद करने लगते हैं और ब्लिफिल को नापसंद करने लगते हैं। टॉम स्पेंड्स मच टाइम विद स्क्वायर वेस्टर्न ऑलवर्दिस नेबर सिंस द स्क्वायर इज इम्प्रेस्ड बाई टॉम स्पॉर्टमैनशिप। ऐसा दिखाया जाता है दोस्तों कि टॉम जो है अपना ज़्यादातर टाइम वो अपने गरीब सर्वेंट्स या स्क्वायर वेस्टर्न के साथ स्पेंड करता है। दोस्तों मैंने स्क्वायर का मतलब पहले भी अपने एक वीडियो में समझाया था, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में देखो तो स्क्वायर एक तरफ से आप इसको डिफाइन करने चाहो तो उसका मतलब होता है ऐसा एक पर्सन हु हिमसेल्फ इज ट्रेनिंग टू बिकम ए नाइट, और इन अदर टर्म्स आप स्क्वायर को ऐसे भी बोल सकते हो एक काउंटी में एक जेंटलमैन, ठीक है, जिसको सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो टॉम क्या करता है, स्क्वायर वेस्टर्न के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। सोफिया वेस्टर्न स्क्वायर वेस्टर्न्स डॉटर फॉल्स डीपली इन लव विद टॉम, ठीक है, जो स्क्वायर वेस्टर्न थे उनका जो बेटी थी सोफिया वो क्या होती है, वो टॉम से प्यार करने लगती है। टॉम हैज ऑलरेडी बिस्टाउड हिज अफेक्शन टू मॉली सीग्रीम द पुअर बट फीस्टी डॉटर ऑफ ब्लैक जॉर्ज। व्हेन मॉली बिकम्स प्रेग्नेंट टॉम प्रिवेंट्स ऑलवर्दी फ्रॉम सेंडिंग मॉली टू प्रिजन बाय एडमिटिंग दैट ही हैज फादर्ड हर चाइल्ड। दोस्तों अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है, ये दिखाया जाता है कि सोफिया जो होती है स्क्वायर वेस्टर्न की बेटी होती है वो टॉम को पसंद करती है, प्यार करती है, लेकिन टॉम जो है वो ऑन द अदर हैंड वो किससे पसंद करता है, मॉली सीग्रीम को, और मॉली सीग्रीम होती है ब्लैक जॉर्ज की बेटी। इसी के चलते क्या होता है कि मॉली प्रेग्नेंट बन जाती है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कहानी में कि मिडिवल एज में बिना शादी के बच्चे हो जाने को एक क्राइम समझा जाता है। तो जब मिस्टर ऑलवर्दी कोई एक्शन लेने वाले थे मॉली के अगेंस्ट, तो टॉम ये बता के मिस्टर ऑलवर्दी को रोक देते हैं कि टॉम एक्चुअली फादर है उस बच्चे के। टॉम एट फर्स्ट ऑब्लिवियस टू सोफियाज चार्म्स एंड ब्यूटी फॉल्स डीपली इन लव विद हर एंड बिगिन्स टू रिजेंट हिज टाइज टू मॉली, येट ही रिमेन्स विद मॉली आउट ऑफ ऑनर। टॉम्स कमिटमेंट टू मॉली एंड्स व्हेन ही डिस्कवर्स दैट शी हैज बीन हैविंग अफेयर्स, विच मीन्स टॉम इज नॉट द फादर ऑफ हर चाइल्ड एंड फ्रीज हिम टू कन्फेस हिज फीलिंग्स टू सोफिया। दोस्तों अब ये दिखाया जाता है कि टॉम जो होता है इवन दो वो कमिटेड रहता है टू
मॉली सीग्रीम, बट इवेंचुअली क्या होता है, ही फॉल्स फॉर सोफिया वेस्टर्न. लेकिन वो फिर भी मॉली का साथ नहीं छोड़ता है क्योंकि मॉली प्रेग्नेंट है और उसको बच्चा होने वाला है. लेकिन उसको बाद में ये बात पता चलता है कि मॉली जो है वो बहुत सारे लोगों के साथ उसका अफेयर था. तो इसी के चलते क्या होता है, टॉम जो होता है वो मॉली का साथ छोड़ के ही कन्फेसेस हिज लव टू सोफिया. Alworthy falls gravely ill and summons his family and friends to be near him. He reads out his will, which states that Blifil will inherit most of his estate, although Tom is also provided for. दोस्तों कहानी में आगे ये दिखाया जाता है कि मिस्टर Alworthy है जो है वो बहुत ज़्यादा उनका तबीयत खराब हो जाता है और उसी के चलते वो क्या होता है, वो अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को बुलाते हैं और अपना विल पढ़वाते हैं, जिसके चलते क्या होता है Blifil को ज़्यादातर प्रॉपर्टी मिलता है और टॉम को भी थोड़ा बहुत हिस्सा मिलता है जिससे वो अपना लाइफ ठीक ठाक चला सके. Thwackum and Square are upset that they are each promised only £1,000. दोस्तों ये दो जो कैरेक्टर हैं Thwackum और Square, ये दो ट्यूटर्स हैं Blifil और टॉम जोन्स के, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं क्योंकि वो वहीं पे रहते हैं मिस्टर Alworthy के यहाँ पे एस्टेट में. और उनका रहने का रीज़न ये था कि वो ये सोच के चल रहे थे कि उनको भी प्रॉपर्टी से काफ़ी ज़्यादा हिस्सा मिलने वाला है, लेकिन इवेंचुअली विल में क्या होता है, उनको सिर्फ £1,000 ही मिलता है. टॉम एक्सपीरियंसेस ग्रेट इमोशंस एट Alworthy's इलनेस एंड बेयरली लिव्स हिज बेड साइड. A lawyer named Dowling arrives and announces the sudden and unexpected death of Bridget Alworthy. दोस्तों ऐसा होता है कि टॉम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टफुल रहता है टुवर्ड्स मिस्टर Alworthy, और वो क्या करता है, जब मिस्टर Alworthy का तबीयत ख़राब था वो काफ़ी ज़्यादा अटेंड करता है क्योंकि वो मिस्टर Alworthy को अपने एज ए फादर ट्रीट करते थे. उसी के चलते क्या होता है, एक लॉयर वहाँ पर आता है मिस्टर Dowling नाम के, और वो आके ये अनाउंस करते हैं कि Bridget Alworthy जो है, जो कि Blifil की मदर होती हैं और मिस्टर Alworthy की बहन होती है, उनका निधन हो जाता है, उनका डेथ हो जाता है. When doctor announces that Alworthy will not die, Tom rejoices and gets drunk on both joy and alcohol. Blifil calls Tom a bastard and Tom retaliates by hitting him. दोस्तों इसके बाद ये होता है कि डॉक्टर जो होता है वो आके बोलते हैं कि मिस्टर Alworthy अब ठीक हैं, उनको कुछ नहीं होने वाला, वो ठीक हो जाएंगे. और इसी के चलते क्या होता है, टॉम जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी के चलते वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा वो पी लेता है. ठीक है, इसी के चलते क्या होता है दोस्तों, Blifil जो होता है टॉम को बास्टर्ड बोल देता है. अब दोस्तों बास्टर्ड का मतलब ये है कि जिसके फादर और मदर का कोई अता पता नहीं है. ठीक है, टॉम को गुस्सा आ जाता है और वो Blifil को मार देता है. अब दोस्तों Blifil को हिट करने का रीज़न बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस था क्योंकि Blifil ने टॉम को एक बास्टर्ड बुलाया था, बट जबकि क्योंकि वो उसका भाई है तो वो बस उसको थोड़ा बहुत ही मारता है. इसके बाद ये होता है कि टॉम आफ्टर स्वेरिंग इटर्नल कंस्टेंसी टू सोफिया इनकाउंटर्स मॉली बाय चांस एंड मेक्स लव टू हर. नाउ दिस पार्ट विल साउंड रियली एब्सर्ड क्योंकि यहाँ पे जो कैरेक्टर दिखाया जाता है टॉम जोन्स का, ही इज नॉट वेरी लॉयल इन अ सेंस. कैसे, मैं बताता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना लव ऑलरेडी कन्फेस कर चुका है सोफिया को, और उसी के चलते भी क्या होता है, जबकि उसे बात पता है कि मॉली जो है वो उस पर चीट कर रही थी, ऑल ऑफ अ सडन वो एक बार मॉली से मिलता है एंड ही एंड्स अप मेकिंग लव विथ हर. मिसेस वेस्टर्न द आंट विथ होम सोफिया स्पेंट मच ऑफ हर यूथ कम्स टू स्टे एट हर ब्रदर्स हाउस. शी एंड द स्क्वायर फाइट कंस्टेंटली बट दे यूनाइट ओवर मिसेस वेस्टर्न्स प्लान टू मैरी सोफिया टू Blifil. दोस्तों कहानी में अभी एक नया कैरेक्टर का एंट्री होता है मिसेस वेस्टर्न. अब मिसेस वेस्टर्न कौन है, स्क्वायर वेस्टर्न की बहन होती है जिसने बहुत ज़्यादा टाइम सोफिया के साथ स्पेंड किया था जब सोफिया छोटी थी, तो वो वापस अपने भाई के यहाँ पे आती है. और ये भी दिखाया जाता है कि मिसेस वेस्टर्न और स्क्वायर वेस्टर्न का बहुत ज़्यादा बनता नहीं है, लेकिन एक बात पे वो दोनों सहमत हो जाते हैं कि जब मिसेस वेस्टर्न बोलती हैं कि सोफिया के लिए Blifil से ज़्यादा अच्छा कोई हो ही नहीं सकता शादी के लिए. मिसेस वेस्टर्न प्रोमिसेस नॉट टू रिवील सोफियाज लव फॉर टॉम एज लॉन्ग एज सोफिया सबमिट टू रिसीविंग Blifil एज ए सूटर. Blifil thus begins his courtship of Sophia and brags so much about his progress that Alworthy believes that Sophia must love Blifil. दोस्तों अब ये बात जब फिक्स हो जाता है, मिसेस वेस्टर्न जब ये बात सोचती हैं कि सोफिया की शादी Blifil के साथ हो जाना चाहिए, तो ये जो वेस्टर्न कल्चर है, शादी से पहले एक कोर्टशिप पीरियड रहता है जहाँ पे लड़का और लड़की को टाइम दिया जाता है कि वो एक दूसरे को जान पाएँ. तो मिसेस वेस्टर्न को ये बात भी पता था कि सोफिया टॉम को पसंद करती है, लेकिन ये बात स्क्वायर वेस्टर्न कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, ये बात सोफिया को भी पता था.
तो मिसेस वेस्टर्न क्या करती है, इसी बात का एडवांटेज लेके वो बोलती है कि अगर तुम चाहती हो कि ये बात मैं अपने भाई को ना बताऊं, तो तुम्हें ब्लिफिल को अच्छी तरह ट्रीट करना पड़ेगा। और ब्लिफिल जो होता है, जब उसको ये कोर्टशिप पीरियड मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा ब्रैग करता है, अपनी तारीफें करता है, बहुत ज़्यादा पोएटिक लैंग्वेज में अपने अचीवमेंट्स गिनवाता है, और ये भी बोलता है कि ऑलवर्दी जो है, मिस्टर ऑलवर्दी, वो ये चाहते हैं कि सोफिया को ब्लिफिल पसंद आए और उसी के साथ उसका शादी हो। सोफिया हाउएवर स्ट्रांगली अपोजेस द प्रपोजल एंड स्क्वायर वेस्टर्न ग्रोस वायलेंट विथ हर। दोस्तों, सोफिया जो है वो हु इज़ इन लव विथ टॉम जोन्स, उसको फाइनली ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं होता है और वो क्या करती है, वो इस रिश्ते को ठुकरा देती है, जिसके चलते क्या होता है, स्क्वायर वेस्टर्न को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा वायलेंट भी हो जाते हैं। Blifil tells Allworthy that Tom is a rascal who cavorted drunkenly about the house, and Allworthy banishes Tom from the county. Tom does not want to leave Sophia, but decides that he must follow the honorable path. अब दोस्तों, ये कहानी के बिगनिंग में मैंने आपको बताया था कि Blifil जो होता है वो हमेशा इस बात का एडवांटेज लेता है कि टॉम का कोई भी सीक्रेट उसे अगर पता हो तो वो मिस्टर Allworthy के चलते उसका बैक बाइटिंग कर देता था। तो अब वो क्या करता है, जब उसे पता चलता है कि सोफिया उसे पसंद नहीं करती और उसके भाई टॉम को पसंद करती है, तो ये बहुत कुछ मिला के Allworthy का कान भर देता है। और मिस्टर Allworthy क्या करते हैं, वो टॉम जोन्स को ना चाहते हुए काउंटी से बाहर निकाल देते हैं, बैनिश कर देते हैं। अब टॉम जो है वो सोफिया को छोड़ के जाना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि मिस्टर Allworthy ने ये ऑर्डर दिया है, तो वो ये सोचता है कि इस ऑनरेबल पाथ पे जाया जाए, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। Tom begins to wander about the countryside. In Bristol, he happens to meet up with Padridge, who becomes his loyal servant. Tom also rescues a Mrs. Waters from being robbed, and they begin an affair at a local inn. दोस्तों, काउंटी से निकालने के बाद टॉम जो होता है वो कंट्री साइड में घूमता रहता है, और ये भी दिखाया जाता है कि जाते वक्त टॉम जोन्स को थोड़ा बहुत पैसा भी देते हैं Allworthy, जो वो रास्ते में घुमा देता है। ऐसा होता है कि वो ब्रिस्टल में जब पहुंचता है, उसका जान पहचान एक बंदे के साथ होता है जिसका नाम Padridge होता है। अब दोस्तों, आप याद करो, मिस्टर Padridge वही है जिसको स्टोरी के बिगिनिंग में दिखाया जाता है। ही एंड जेनी जोन्स वेर सपोज टू बी द पेरेंट्स ऑफ टॉम जोन्स, लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है कि मिस्टर Padridge जो है वो अपना इंट्रोडक्शन टॉम को नहीं देते और एग्री करते हैं कि वो टॉम जोन्स के सर्वेंट बनना चाहते हैं। इसी के चलते ये भी दिखाया जाता है कि वो एक लेडी से मिलते हैं वहाँ टॉम, उन लेडी का नाम होता है मिसेस वाटर्स, और उन दोनों के बीच एक अफेयर डेवलप हो जाता है। मैंने कहानी के बिडल में भी आपको बोला था कि टॉम जोन्स का कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा लॉयल नहीं है टुवर्ड्स वुमेन, ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है एक्चुअली टुवर्ड्स द सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। सोफिया हु हैज रन अवे फ्रॉम द स्क्वायर वेस्टर्न्स एस्टेट टू अवॉइड मैरिंग ब्लिफिल स्टॉप्स एट दिस इन एंड डिस्कवर्स दैट टॉम इज हैविंग एन अफेयर विद मिसेस वाटर्स। She leaves her muffler in Tom's bed so that he knows that she has been there. When Tom finds the muffler, he frantically sets out in pursuit of Sophia. दोस्तों, ऐसा होता है कि जिस इन में मिसेस वाटर्स और टॉम जेंस का अफेयर होता है, उसी इन में सोफिया भी आ जाती है, क्योंकि वो अपने शादी से भाग के आ गई है, कि उसको ब्लिफिल एकदम पसंद नहीं था, और उसी के चलते क्या होता है, सोफिया अपने फादर स्क्वायर वेस्टर्न का एस्टेट छोड़ के आगे चल जाती है और टॉम को खोजने के लिए। तो वहाँ पे वो इन में जब रुकती है, तो उसे पता चलता है कि टॉम जो है ही इज़ बीइंग अनलॉयल एंड ही इज़ हैविंग एन अफेयर विद मिसेस वाटर्स। लेकिन वो क्या करती है, इन छोड़ने से पहले टॉम के बेड में एक मफलर छोड़ जाती है, जिससे टॉम को ये पता चले कि सोफिया वहाँ पे आई हुई थी। जब टॉम को वो मफलर मिलता है, तो वो पागलों की तरह सोफिया का ढूंढने लगता है और वो उसको ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। The Irishman Fitzpatrick arrives at the inn searching for his wife and Weston arrives searching for Sophia. दोस्तों, टॉम जोन्स के इन से बाहर चले जाने के बाद इन में और दो कैरेक्टर का एंट्री होता है। उसमें से जो पहला कैरेक्टर है वो आयरिशमैन Fitzpatrick होते हैं, जो अपने वाइफ को ढूंढते हुए वहाँ पे आते हैं, और स्क्वायर वेस्टर्न भी वहाँ पे आते हैं अपनी बेटी सोफिया को ढूंढते हुए। On the way to London, Sophia rides with her cousin Harriet, who is also Fitzpatrick's wife. दोस्तों, ये दिखाया जा रहा है कि सोफिया जो है वो इन से बाहर निकलने के बाद लंदन की तरफ चली जाती है और वो राइड करती है अपने कजिन हैरियट के साथ, और हैरियट जो होती है वो Fitzpatrick की वाइफ होती है। In London, Sophia stays with her lady relative, Lady Bellaston.
दोस्तों लंदन पहुंचने के बाद सोफिया जो होती है अपने रिलेटिव के साथ रहती है जिसका नाम है लेडी बेलस्टन। दोस्तों अभी यहाँ पे कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा ऐड होने वाले हैं, तो आपको सारे कैरेक्टर्स का अच्छे तरह से नोट डाउन कर लेना चाहिए क्योंकि ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉम एंड पैट्रिज अराइव इन लंदन सून आफ्टर एंड दे स्टे इन द हाउस ऑफ मिसेस मिलर एंड हर डॉटर्स, वन ऑफ हुम इज नेम्ड नैन्सी। दोस्तों सोफिया को खोजते खोजते टॉम भी जो है वो लंदन आ जाते हैं और पैट्रिज जो है जिसने अपने आप को कमिट किया था टू बी द सर्वेंट ऑफ टॉम, वो दोनों एक साथ आके कहाँ पे रुकते हैं, एक घर पे रुकते हैं जिस घर का मालकिन होती है मिसेस मिलर, और मिसेस मिलर के साथ उनकी बेटियां भी रहती है और एक बेटी का नाम होता है नैन्सी। ए यंग जेंटलमैन कॉल्ड नाइटिंगेल ऑल्सो इनहेबिट्स द हाउस एंड टॉम सून रियलाइजेस दैट ही एंड नैन्सी आर इन लव। Nancy falls pregnant and Tom convinces Nightingale to marry him. दोस्तों ये दिखाया जाता है कि मिसेस मिलर के घर में और एक बंदा होता है जिसका नाम होता है Nightingale, और Nightingale जो होता है वो Nancy से प्यार करता है। Eventually क्या होता है कि Nancy pregnant हो जाती है और Tom convince करता है Nightingale को कि वो Nancy से शादी कर ले। Lady Ballaston and Tom begin an affair, although Tom privately continues to pursue Sophia. दोस्तों ये Lady Ballaston जो होती है वो relative होती है Sophia की और बहुत ही ज़्यादा cunning lady होती है। वो क्या करती है, वो Tom को blackmail करती है to have an affair with her, और उसी के चलते Tom भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा helpless होता है, he fakes an affair with her, even though वो क्या करता है, वो अंदर ही अंदर Sophia को खोजता रहता है। When he and Sophia are reconciled, Tom breaks off the relationship with Lady Ballaston by sending her a marriage proposal that scares her away. दोस्तों eventually at the end of the story ये दिखाया जाता है कि जो सोफिया होती है वो टॉम से मिल जाती है और उनका सुलह हो जाता है, और टॉम जो होता है जो फेक कर रहा होता है अपना रिलेशनशिप विद लेडी बेलस्टन, इसके चलते वो क्या करता है, वो अपना रिलेशनशिप उससे तोड़ देता है। Yet Lady Ballaston is still determined not to allow Sophia and Tom's love to flourish. She encourages another young man, Lord Fellamer, to rape Sophia. अब दोस्तों मैं क्या बताऊँ इस नॉवल के बारे में, ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड नॉवल है इन इटसेल्फ। लेडी बेलस्टन जो होती है वो एक्चुअली सोफिया की रिलेटिव होती है, और वो जब देखती है कि टॉम जोन्स ने उससे अपना रिलेशनशिप तोड़ दिया है, तो वो ये नहीं चाहती कि सोफिया और टॉम हैप्पीली एक दूसरे के साथ रहें, तो वो क्या करती है, वो और एक इंसान जो होता है और एक बंदा जो होता है लॉर्ड फेलमर, उसको इनकरेज करता है कि वो सोफिया का रेप कर दे। Soon after Squire Weston, Mrs. Weston, Blifil and Allworthy arrive in London and Squire Weston locks Sophia in her bedroom. दोस्तों ये जो सारे characters हैं Squire Weston, Mrs. Weston, Blifil और Allworthy, वो सब London आ जाते हैं सोफिया को ढूंढते ढूंढते, और मिस्टर वेस्टर्न जो होते हैं स्क्वायर वेस्टर्न, वो सोफिया को अपने बेडरूम में लॉक कर देते हैं। मिस्टर फिट्स पैट्रिक थिंक्स टॉम इज हिज वाइफ्स लवर एंड बिगिन्स अ ड्वेल विद टॉम। ये जो मिस्टर फिट्स पैट्रिक है दोस्तों, ये वही कैरेक्टर है जो इन में आए हुए थे अपने वाइफ को ढूंढते हुए, और इवेंचुअली वो ये सोचते कि टॉम ही वो सीक्रेट लवर है उसके वाइफ के, और वो टॉम को एक ड्वेल के लिए ललकारते हैं। इन डिफेंडिंग हिमसेल्फ टॉम स्टैब्स फिट्स पैट्रिक विथ हिज सोर्ड एंड इज थ्रोन इन टू जेल। दोस्तों अब जब दोनों के बीच लड़ाई होता है तो टॉम क्या होता है, वो टॉम जीत जाता है उस लड़ाई को, और उसके चलते क्या होता है, टॉम फिट्स पैट्रिक को स्टैब कर देता है और उसको जेल हो जाता है। Patridge visits Tom in jail with the ghastly news that Mrs. Water is Jenny Jones, Tom's mother. दोस्तों ये जो Mr. Patridge है वही character है जिसने अपना commitment swear किया था to Tom कि वो उसके servant बन के रहेंगे, and also beginning of the story में ये दिखाया गया था कि Mr. Patridge Tom के father हैं। तो वो जेल में टॉम से मिलने आते हैं और ये बताते हैं कि मिसेस वाटर्स जो हैं जिससे टॉम इन में मिले थे ऑन हिज वे टू लंदन, वो एक्चुअली और कोई नहीं बट जेनी जोन्स हैं, हु इज सपोज टू बी टॉम जोन्स मदर। मिसेस वाटर्स मीट विद ऑलवर्दी एंड एक्सप्लेन्स दैट फिट्स पैट्रिक इज स्टिल अलाइव एंड हैज एडमिटेड टू इनिशिएटिंग द ड्वेल। अब मिसेस वाटर्स जो होती है जेनी जोन्स, वो क्या करती है, वो मिस्टर ऑलवर्दी से मिलती है और ये समझाती है कि फिट्स पैट्रिक जो है वो अभी भी जिंदा है, जिसके खून के इल्ज़ाम पे टॉम जोन्स को जेल पे रखा गया है, और उन्होंने ये बात कन्फेस भी किया है कि उन्होंने ये लड़ाई शुरू की थी। शी ऑल्सो टेल्स ऑलवर्दी दैट अ लॉयर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ एन अननेम जेंटलमैन ट्राइड टू परसूड हर टू कंस्पायर अगेंस्ट टॉम। दोस्तों जो ये मिसेस वाटर्स होती है जेनी जोन्स, वो एक्चुअली जेनी जोन्स होती है, वो ये बात भी कन्फेस करती है ऑलवर्दी को
कि एक अननेम्ड पर्सन जो लॉयर एक्ट करके अपने आप को दिखा रहा था, उसी ने उसको प्रोवोक किया था कि वो टॉम के अगेंस्ट ये कंस्पिरेसी करे. ऑलवर्दी रियलाइजेस दैट ब्लिफिल इज दिस जेंटलमैन एंड ही डिसाइड्स नेवर टू स्पीक टू हिम अगेन. ऑलवर्दी को ये बात समझ में आ जाता है कि वो जेंटलमैन जिसने मिसेस वाटर्स जेनी जोन्स को ये बोला था कि वो एक कॉन्स्पिरेसी बनाए फॉर टॉम के लिए, टॉम के अगेंस्ट में, वो और कोई नहीं बट ब्लिफिल ही था. और मिस्टर ऑलवर्दी क्या डिसाइड करते हैं कि वो अपने लाइफ टाइम में कभी भी ब्लिफिल से बात नहीं करेंगे. टॉम हाउएवर टेक्स पिटी ऑन ब्लिफिल एंड प्रोवाइड्स हिम विथ इम्यूनिटी. दोस्तों ये दिखाया जाता है कि टॉम जो होता है वो बहुत ही बड़े दिल वाला होता है और वो क्या करता है, वो ब्लिफिल को माफ कर देता है. मिसेस वाटर्स ऑल्सो रिवील्स दैट टॉम्स मदर वॉज ब्रिजेट ऑलवर्दी. Square sends Allworthy a letter explaining that Tom's conduct during Allworthy's illness was honorable and compassionate. दोस्तों ये जो final confession है जो Mrs. Waters करती है वो एक turning point है पूरे novel का. यहाँ पे Mrs. Waters बोलती है कि Bridget Allworthy जो है, जो Mr. Allworthy की बहन है, वही actually Tom Jones की माँ होती है. और इसी के चलते ये दिखाया जाता है कि Square जो होते हैं वो Allworthy को एक letter भेजते हैं ये बताते हुए कि जो टॉम ने जो जब मिस्टर ऑलवर्दी का तबीयत खराब था, जो उन्होंने जो ध्यान रखा था मिस्टर ऑलवर्दी का, वो बहुत ही ज्यादा ऑनरेबल और कंपैशनेट एक्ट था. टॉम इज रिलीज फ्रॉम जेल एंड ही एंड ऑलवर्दी आर रीयूनाइटेड एज नेफ्यू एंड अंकल. दोस्तों टॉम को जेल से छोड़ दिया जाता है क्योंकि फिट्ज़पैट्रिक जो है, जिसके खून के इल्जाम पे टॉम को जेल पे डाला गया था, वो जिंदा थे और वे कन्फेस भी कर लेते हैं कि मतलब उन्होंने ये लड़ाई शुरू किया था. और जब टॉम को ये पता चलता है कि मिस्टर ऑलवर्दी जो है वो उनके खुद के अंकल हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो दोनों एक साथ यूनाइटेड हो जाते हैं. मिसेस मिलर एक्सप्लेन्स टू सोफिया द रीजंस फॉर टॉम्स मैरिज प्रपोजल टू लेडी बैलस्टन एंड सोफिया इज सेटिस्फाइड. अब दोस्तों इस बात का भी एक्सप्लेनेशन दिखाया जाता है. मिसेस मिलर जो होती हैं, जिसके घर पर टॉम और उसका जो फ्रेंड है पैट्रिज वो रहे थे, वो एक्सप्लेन करते हैं सोफिया को कि टॉम जो मैरिज का प्रपोजल देता है लेडी बैलस्टन, उसके पीछे वो क्या राज था, क्योंकि लेडी बैलस्टन उसको ब्लैकमेल कर रही थी. और सोफिया अब बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है इस एक्सप्लेनेशन से और ये समझ जाती है कि टॉम ने ये सब सोफिया को पाने के लिए किया था. नाउ दैट टॉम इज ऑलवर्दीज हेयर, स्क्वायर वेस्टर्न ईगरली इनकरेजेस द मैरिज बिटवीन टॉम एंड सोफिया. दोस्तों अब ये बात जब रिवील हो चुका था कि टॉम जोन्स और कोई नहीं था बट मिस्टर ऑलवर्दी के अपने खुद के नेफ्यू थे एंड ही इज एल्डर टू ब्लिफिल, ऑलवर्दी का मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो है ही वॉज सपोज टू गो टू टॉम जोन्स. और ये बात जब स्क्वायर वेस्टर्न को पता चला तो स्क्वायर वेस्टर्न अब सोफिया और टॉम का शादी कराना चाहते हैं क्योंकि उससे भी पता है कि टॉम को ज़्यादातर प्रॉपर्टी मिलने वाला है. यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है स्क्वायर वेस्टर्न है वो बहुत ही ज़्यादा लालची किस्म का इंसान दिखाया गया है. सोफिया चेस्टिसाइज टॉम फॉर हिज लेक ऑफ चेस्टिटी बट एग्रीज टू मैरी हिम. दोस्तों ये बात भी दिखाया जाता है कि सोफिया जो है वो टॉम को काउंटर करती है और ये बोलती है कि मैं उसमें मतलब ही लैक्स वर्जिनिटी बट इवेंचुअली क्या होता है, सोफिया एग्रीज टू मैरी हिम. They live happily on Western estate with two children and shower everyone around them with kindness and generosity. दोस्तों स्टोरी के एंड में ये दिखाया जाता है कि सोफिया और टॉम का जो है वो शादी हो जाता है और वो उस वेस्टर्न एस्टेट में ही रहते हैं अपने दो बच्चों के साथ और वो अपने जो आसपास जितने भी लोग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा काइंडनेस और जेनरोसिटी से ट्रीट करते हैं. क्योंकि मैंने स्टोरी के बिगनिंग में आपको बताया था कि टॉम जो कैरेक्टर है इवेंचुअली ही इज़ अ पर्सन हु इज़ वेरी ग्रेटफुल एंड ही इज़ वेरी काइंड. ठीक है, तो स्टोरी का एंड ऐसा होता है कि जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि टॉम और सोफिया का शादी हो जाता है. दोस्तों इस कहानी को अगर आप ठीक से एनालाइज करो देन यू विल इवेंचुअली फील दैट आपने टॉम को बड़े होते हुए देखा है. उसने जो सारे मिस्टेक्स किए हैं अलॉन्ग विद दैट उसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं एंड दैट मेक्स हिम अ मैच्योर्ड पर्सन हु रियलाइजेस हिज मिस्टेक्स एंड इवेंचुअली ही ग्रोज अप टू बी अ मोर रिस्पॉन्सिबल एंड कमिटेड पर्सन. अब मैं आपको बताऊंगा कि इस नॉवल को, टॉम जोन्स का जो नॉवल है बाय हेनरी फील्डिंग, उसको बिल्डंग्स रोमन नॉवल क्यों कहते हैं. तो दोस्तों इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म बिल्डंग्स रोमन इज अ लिटरेरी जॉनरा दैट फोकसेस ऑन द साइकोलॉजिकल एंड मॉरल ग्रोथ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट फ्रॉम यूथ टू अडल्टहुड कमिंग ऑफ एज इन विच कैरेक्टर चेंज इज इंपॉर्टेंट. द टर्म कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ड्स बिल्डंग सेल्फ कल्टिवेशन एंड रोमन उसका मतलब होता है नॉवल. सो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है कि व्हाई टॉम जोन्स एज अ नॉवल इज ट्रीटेड एज बिल्डंग्स रोमन नॉवल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इज एक्चुअली अ रिक्वेस्टेड क्वेश्चन टू बी डिस्कस्ड इन आवर चैनल, जो बहुत ही ज़्यादा पहले एक स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया था.
तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बिल्डंग्स रोमन नॉवल का जो हिस्ट्री है वो किस तरह से आपको एग्जाम्स में पोर्ट्रे करना है। अगर ये सवाल एग्जाम में पूछा गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सप्लेन दैट व्हाट डज ए बिल्डंग्स रोमन नॉवल मींस। ठीक है, तो इन लिटरेरी वर्ल्ड में बिल्डंग्स रोमन को क्या बोलते हैं, ये इन इटसेल्फ एक लिटरेरी जॉनरा है जो फोकस करता है साइकोलॉजिकल और मॉरल ग्रोथ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। टॉम जोन्स का जो एंटायर नॉवल है उसमें प्रोटैगनिस्ट का रोल प्ले किया है टॉम जोन्स ने, और जैसे मैंने बताया कि स्टोरी के एंड में कैसे टॉम जोन्स इवेंचुअली ग्रो करते हैं लर्निंग फ्रॉम हिज मिस्टेक्स एंड टर्निंग आउट टू बी ए मोर रेस्पॉन्सिबल पर्सन, उसको आपको अपने आंसर में रिफ्लेक्ट करना है और विद द रेफरेंस ऑफ द स्टोरी आप इस बात को बैक भी कर सकते हो। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, जब आप इस क्वेश्चन को आंसर करोगे यू आर सपोज टू स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ लिटिल बिट अबाउट द बिल्डंग्स रोमन नॉवल। दोस्तों, बिल्डंग्स रोमन नॉवल जो है बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू जर्मन वर्ड्स। बिल्डंग का मतलब होता है सेल्फ कल्टिवेशन और रोमन का मतलब होता है नॉवल। सो दिस इज द वीडियो गाइस, होप यू हैव अंडरस्टूड अ लिटिल बिट मोर अबाउट द प्लॉट ओवरव्यू ऑफ टॉम जोन्स बाय हेनरी फील्डिंग। इन केस इफ यू हैव एनी अदर डाउट रिगार्डिंग दिस नॉवल और एनी अदर नॉवल फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर, डू फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इन टुडे सेशन वी हैव बेसिकली डिस्कस अबाउट द प्लॉट ओवरव्यू ऑफ टॉम जोन्स इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इन अ डिफरेंट वे। ऑल्सो अलॉन्ग विद इट आई हैव ऑल्सो डिस्कस हाउ दिस नॉवल एंड वाई दिस नॉवल इज कंसिडर्ड एज अ बिल्डंग्स रोमन नॉवल। इन केस यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, डू फील फ्री टू रीच आउट टू अस। एंड इफ यू हैव फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, ऑल्सो डू कंसिडर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। Till then, God bless you and thank you all.